श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगा वालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर होलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स नजदीक रेलवे स्टेशन मीना बाजार मंडी डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि उप तहसील गोरीवाला से आ रही है, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोर बेखौफ तरीके से एक ही रात में एक ही सड़क पर पड़ने वाले चार गांव में हजारों रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए हैं। दरअसल चुनाव इस पूरे घटनाक्रम में चोरों का धावा धार्मिक संस्थानों और दुकानों पर रहा। सवाल उठता है, आखिर पुलिस कर क्या रही है? गोरीवाला में पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग के नाम पर कहीं ना कहीं PCR चलती दिखाई देती है। 112 मैदान में रहती है पुलिस, पेट्रोलिंग करती है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों के मन में जरा भी खौफ नहीं है। सबसे पहली वारदात हम आपको दिखा रहे हैं, गांव अहमदपुर दारेवाला के हनुमान मंदिर में चोरों ने करीब 5000 रुपये की एक नकदी का जो गुल्लक दान पात्र था उसको चोरी किया। यहाँ पर चोरों ने बेहद शातिराना तरीके के साथ तीन लोग यानी कि तीन गेटों के लॉक तोड़ने के बाद उसके बाद पूरे लॉकर को उठाकर बाहर खेतों में फेंक कर फरार हो गए। दूसरी घटना गांव गोदिका के गुरुद्वारा साहब की है, जहां पर भी करीब 5 से 7 हज़ार की नकदी का गुल्लक इन बदमाशों ने वहां से चुराया और करीब 2 किलोमीटर कालोना रोड पर उसे तोड़कर नकदी चोरी कर फरार हो गए। तीसरी घटना इसी क्रम में 10 मिनट बाद होती है, गांव कालवाना के बस स्टैंड पर टिब्बी अड्डे के उस बस स्टैंड पर जहां पर दो दुकानों में धावा बोला जाता है, लेकिन एक का शटर तोड़ने में नाकाम रहते हैं। एक में से तोड़कर उसमें से सिलेंडर करीब 2 से 3 हज़ार रुपये की नकदी चोरी कर फरार हो जाते हैं। यही नहीं, सिलसिला थमता उसके बाद मानक टिब्बी में भी इन चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। यानी कि एक ही रात में एक ही रूट पर चार स्थानों पर इन चोरों ने बेखौफ तरीके से हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर चोरी को अंजाम दिया है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। यही सवाल पहले पुलिस जिला बनने से पहले उठते रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम का यानी कि ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन अब फिर से पुलिस के लिए सबसे बड़ी नई चुनौतियाँ हैं कि इस रात बारिश भी हो रही थी, तूफान अंधड़ चल रहा था कि लोग अपने घरों में अंदर सोए थे, लेकिन चोर बाहर प्लानिंग तैयार कर रहे थे। जहां पर हम आपको अलग अलग घटना दिखा रहे हैं, ये CCTV फुटेज हमारे पास पहुंची जो कि कालवाना के दो दुकानों की फुटेज है, जहां पर एक दुकान को खोलने में चोर कामयाब रहे हैं, जहां पर एक सिलेंडर चोरी किया है, उसके बाद नकदी चोरी की है, कुछ राशन करीब 10,000 रुपये का नुकसान का आंकलन यहाँ पर किया गया है। और सुबह जैसे ही लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई तो तीनों घटनाक्रम पर अलग अलग गोरीवाला पुलिस पहुँची। वहाँ पर जो फिंगर एक्सपर्ट उनकी मदद से पुलिस ने हर तथ्य को जुटाया। और ये तस्वीर देखिए आप, कितने बेखौफ तरीके से जो चोर है वो अपने मुँह को ढाँप कर आए, पूर्ण तरीके से मुँह को ढका हुआ है ताकि उनकी पहचान उजागर न हो सके। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लाल परने के साथ पूरे मुँह को ढंपा हुआ, जिसमें दोनों नौजवान युवा नजर आ रहे हैं और दूसरा नीचे बैठकर जो हाथ में कटर, ऐसा लग रहा है जैसे कटर से लोग काटने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा बदमाश दूसरी दुकान को खोलकर उसमें से हाथ साफ करता है, लेकिन इसके बाद चोर यहां से फरार हो जाते हैं। यानी कि हर घटनाक्रम को कम से कम 4-4, 6-6 मिनट का यहाँ पर समय जो लगाया गया है, लेकिन इस शटर को तोड़ने में चोर पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। वहीं पर इसके बाद पुलिस अपने अलग अलग तरीके से CCTV फुटेज खंगालने के बाद हर तरीके से अपने एंगल से सोर्सेज के जरिए चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है। जहां पर गोरीवाला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हनुमान कमेटी, गुरुद्वारा साहब कमेटी के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात है कि गांव गोदिका के गुरुद्वारा साहब में जो वहां पर ग्रंथी है वो भी वहीं पर पास के मकान में सोया था, लेकिन उस कल की रात बारिश हो रही थी। ये अगला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं गांव दारेवाला के गोदिका रोड पर, जहां पर 12:48 करीब 1 बजे के आसपास एक बाइक निकलता हुआ नजर आता, हालांकि लाइट की रिफ्लेक्शन होने की वजह से समझ से बाहर है कि इसके पीछे कोई गुल्लक वगैरह इस तरीके का पेटी या फिर दो लोग बैठे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है वीडियो। और ये शॉट हम आपको गांव गोदिका के गुरुद्वारा साहब के दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस पर बार बार लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पुलिस को कटघरे में ले रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस की रात की पेट्रोलिंग सिर्फ इन चोरों के लिए
एक सिर्फ एक सिग्नल का काम करती है कि ये भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर धार्मिक संस्थानों में चोरी की घटना के बाद लोगों में एक रोष देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोग धार्मिक तौर पर आहत हुए हैं। जहां पर हनुमान मंदिर में धावा बोला गया है और उसके बाद गुरुद्वारा साहब में चोरी, उसके बाद कालवाना की दुकानों में चोरी, फिर मानक टीवी में चोरी का समाचार है। तो एक ही रात में हजारों रुपए की चोरी करने में चोर कामयाब रहे, लेकिन पुलिस अब सुराग जुटाने में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा इन चोरों को सलाखों के पीछे पुलिस कब तक ले पाती है। अब ये तो पुलिस का काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, गोरीवाला।